ये अभाव था, हमारा अपना कार्यालय नहीं था जो विधिवत रूप से जगह लेकर के उस पर आज स्थापना की है और जल्दी भवन निर्माण कंप्लीट करके उसे कंप्लीट किया गया है। ये झज्जर में है या पूरे हरियाणा में? पूरे हरियाणा प्रदेश में ही है, बहुत सारे जिलों में तो है ऑलरेडी हमारे पास, रोहतक में है, भिवानी में है, सिरसा में है, हिसार में है, जहाँ नहीं है वहाँ पे बनाए जा रहे हैं। तो जैसे आज यहाँ पे भी है, फरीदाबाद में भी है, फरीदाबाद में भी इसी तरह जमीन ली है, वहाँ पे भी निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ पार्टी? अब पंचायत चुनाव घोषित हो, हम तो तैयार ही हैं, पिछले काफी लंबे समय से प्रयासरत हैं, लगे हुए हैं। पार्टी गठबंधन में लड़ेगी गुजरात में जसपा ने लड़ेगी पार्टी सिंगल जी, संगठन का लगातार फैलाव कर रहे हैं, राजस्थान में भी, गुजरात में भी, पंजाब में भी। गुजरात में आने वाले समय में चुनाव है तो पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में आएगी या अलग? हमारा यही प्रयास होगा। पंचायती चुनाव में गठबंधन में चुनाव लड़े जाएंगे या? गठबंधन में ही लड़ने का निर्णय हुआ, तीसरे मोर्चे का गठन हुआ है और ये कह रहे हैं जसपा और इनेलो एक और। कहाँ हुआ है गठन? उस तीसरे मोर्चे के गठन के लिए वहाँ स्टेज पर खड़े नेता ही सब हम ये कह रहे थे कि बिना कांग्रेस के मोर्चा संभव नहीं है। अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिन्होंने सारी उम्र कांग्रेस की मुखालफत की है, क्या वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके मोर्चा बनाएंगे? तो भाजपा कहीं ना कहीं जेजेपी में सेंध लगाए हुए है। कहाँ लगाए हुए? गुड़गांव में 200-250 नहीं, एक महेश चौहान हमारा साथी था, इसको हमने कुछ दिन पहले ही हटा दिया था, इस वजह से वो निराश होकर के उधर चला गया। इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं? नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? चौधरी वीरेंद्र का बयान आया था कि चुनाव में जब पार्टी आई थी चुनाव में तो 40 सीटें थी भाजपा के पास में, 10 सीटें जेजेपी की थी, मिला के सरकार बनाई थी, उन्हें आगे नहीं लगता कि आगे भी गठबंधन रहेगा, इसको लेकर कहते हैं? उनकी अपनी सोच है, वो अपनी सोच के मुताबिक बोलते हैं, हमारा काम अपना है, अपना काम। Thank you.